हिमानी जी, जिस तरह से ये जो पहाड़ जो धूं धूं करके जल रहे हैं, उसी तरह से कूड़े का ढेर बना दिया दिल्ली को। ये बताते थे हम यहाँ लंदन बनाएंगे, पेरिस बना देंगे, यमुना जी का क्या हाल कर दिया। ये बोलते थे कि इसकी जगह हम लोग लैंडफिल साइट को क्लियर करके हम उनको सोल्यूशन बता दीजिए ना। अगर उन्हें नहीं पता तो उन्हें तो जुम्मा जुम्मा सवा साल हुए हैं, आप तो 20 साल से थे। ये मुझे बताइए कि ये तो बोलते थे कि एक बार हमको मौका दे दीजिए, एमसीडी अब इनके पास में है, दिल्ली गवर्नमेंट इनके पास में है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये मटर छील रहे हैं क्या? और ये तो ये बोल रहे थे, ये तो ऐसे ऐसे वायदे कर रहे थे कि वहां पर से बिजली पैदा होगी और इनके शीश महल तक जाएगी, तो इनके शीश महल तक क्या बिजली पहुंच गई क्या? ना दिल्ली को कुछ मिला है। ये पार्क बनाने की बात कर रहे थे, पार्क नहीं बना रहे। ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए वो झूठे लोग हैं, ऐसे नाटकवीर है अरविंद केजरीवाल और उनके जो साथी और जितने प्रवक्ता गण हैं, बहुत बड़े नाटकवीर है। ये क्या-क्या वायदे लेकर के आए थे कि दिल्ली को हम पाठशाला देने वाले हैं, मधुशाला जरूर इन्होंने दिल्ली को दी और गली-गली में दे दी, और उसी के कारण से देख रहे हैं कि किस तरह से सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं इनके मनीष सिसोदिया। और आप इंसुलिन भी नहीं दे रहे हैं, बताइए। देखिए, खाने के डिब्बे पे नजर लगा रहे, इंसुलिन दे नहीं रहे। मानी जी, इस विषय पे मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनके इन्हीं से पूछ लीजिएगा जरा कि जेल प्रशासन किनके हाथ में है। इस विषय पे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति है जो ऐसे बहरूपी है, जो हर समय टीवी पे आने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, कि मेरी टीआरपी बनी रहे, मेरी यूएसपी बनी रहे, जनता में जनाधार तो उनका है नहीं, क्योंकि सबको पता लग गया कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा ले सर्वोच्च न्यायालय से क्यों नहीं इनको बेल मिली, क्यों नहीं हाई कोर्ट से इनको बेल मिल रही है, ठीक है? तो क्या सर्वोच्च न्यायालय भी बिक गया क्या? और दूसरी बात, हिमानी जी, ये इतने बड़े दोगले और डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। ये बोलते हैं पीएमएलए एक्ट के अंदर बड़ा संशोधन कर दिया, तो मैं पूछता हूँ पी चिदम्बरम जी को बेल कैसे मिला, संजय राउत जी को बेल कैसे मिला, और संजय सिंह को बेल कैसे मिला? बिजली को दिल्ली को इन्होंने किस तरह से एक गैस का चैम्बर बना दिया है, भ्रष्टाचार का हब बना दिया है, और पूरी जनता सर, तो ये कूड़े का पहाड़ खड़े किसके टाइम पर हुआ, ये बताइए ना, कूड़े का पहाड़ खड़े किसके टाइम पर? हमने जो योजना हम लोग लेकर के आए थे कि हम लोग यहाँ पर व्यवस्थित चीजें करेंगे, वेस्ट को हम लोग डिस्पोज करने का काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद तो इनकी सरकार आ गई, तो लगातार 20 साल आपका कब्जा रखा है। धीरे धीरे कर आते हैं, पॉइंट वाइज आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया आपने तो बिजली की बात कही थी कि यहाँ से बिजली पैदा कर देंगे, वो बिजली आपकी शीश महल तक पहुंची कि नहीं पहुंची वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जहरीली हवा दिल्ली एनसीआर के हर घर घर तक पहुंच रही है। घनेन्द्र जी, देखिए हिमानी जी, बिजली की बात बताता हूँ कि कूड़े के पहाड़ से ओखला लैंडफिल साइट से 30 मेगावाट हर महीने बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जिंदल की कंपनी को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिंदल की कंपनी को ठेका मिला हुआ है, और जो कूड़े के पहाड़ अगर अभी तक कम नहीं हुए, और जो हम आगे प्रोडक्शन बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, सीएनजी का नहीं बना पाए, उसका एक बहुत बड़ा कारण स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल सारे डिसीजन, सारे कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही हो सकती है, और स्टैंडिंग कमेटी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बाधा डाली, केजरीवाल ने किया है, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी, दिल्ली को स्टैंडिंग कमेटी से महफूज दूर रखा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण है, कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली एमसीडी का काम रुका रहे, कूड़े के पहाड़ों की हाइट कम ना हो, दिल्ली एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म ना हो, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी आज तक रुका रही है। अब तो ये नहीं कहिए, कम से कम अब तो ये नहीं कहिए, अंदर है भ्रष्टाचार। ममता जी, पता नहीं वो बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची, यहाँ पर मनोज जी कह रहे थे, लेकिन कम से कम वो दम घोटू जहरीली हवा जो है, लोग कह रहे हैं कि सांस लेना मुहाल हो गया, दूभर हो रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं है जी। हिमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े दावे करने में अगर किसी का अव्वल नंबर आता है तो भारत को तो छोड़ दीजिए, विश्व में एक ही है, वो है माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी खोखले दावे कर करके तो देख लीजिए, पहले सरकार में गए और भ्रष्टाचार करके आजकल जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल जी से खैर जेल तक तो कैसे ही प्रश्न पूछूंगी मैं, उनकी मैडम सीएम से पूछ लेती हूं कि ये लैंडफिल को खत्म करके साफ करने का जो दावा था वो अरविंद केजरीवाल का
था और केजरीवाल साहब ने बोला था 2023 तक साहब सपाट हो जाएगा एकदम प्लेन सपाट, वो 26 जैसे मैंने दिल्ली का सरकारी कोच सपाट कर दिया ना, वैसे ये भी सपाट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बनाऊंगा जी पार्क और उसमें जी मैं भी आप लोगों की भाभी जी के साथ सुबह सुबह घूमने के लिए आऊंगा। कुछ नहीं हुआ ना, नॉमन तेल हुआ ना, राधा नाची वहां पर। और सुनिए वो जो लैंडफिल की सफाई की ये बात कर रहे हैं प्रवक्ता महोदय, ये जो प्रवक्ता महोदय जो बात कर रहे हैं अभी कि साफ करा हमने और हम कचरा साफ कर रहे हैं, अरे भैया 25 जो मशीनें हैं साफ करने की उसमें से 13 तो खराब पड़ी हुई है। यहाँ भी घोटाला, मतलब जल घोटाला, दारू घोटाला, मल घोटाला, कचरा घोटाला, आप तो ये पूछे प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ये कहकर संजीव कौशिक जी, ये तो बड़ा कैजुअल अप्रोच है ना, आपके मेयर वहां पर नहीं पहुंचती हैं, बीजेपी का डेलीगेशन पहले पहुंच जाता है। हिमानी, पिछले 2 दशक में दिल्ली के कुतुब मीनार से 6 मीटर बड़ा वहां पे पहाड़ खड़ा हो गया था। आप चाहती हैं कि 2024 तक तो खत्म हो जाना था सर वो। आप चाहती हैं कि कोई ऐसा मंत्र मार दिया जाए कि कुतुब मीनार, तो ये मंत्र तो तब पूछना चाहिए था जब केजरीवाल जी कह रहे थे, सामने दिखाई, जब एमसीडी जीते तो केजरीवाल जी। अभी उसकी हाइट कितनी है, क्या अभी भी वो 206 मीटर हाइट वाले है क्या? मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ या कहता हूँ कि यदि उसकी हाइट कम हो रही है, लगातार उस रफ्तार से वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, काम भी हो रहा है, और आग लग जाने की बात रफ्तार ही तो नहीं दिख रही है सर, वो बहुत ही धीमा, क्योंकि एक ही एजेंसी काम कर रही है, तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन उसका कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जो काम नहीं कर पाई, दिल्ली की जनता ने ये यकीन के साथ भरोसा दिया है, भारतीय जनता पार्टी, तो लोगों ने जो भरोसा दिया है उस भरोसे के, ना जल घोटाला किया, ना शराब घोटाला किया, लेकिन मनोज जी वो काम आपने कर दिया है। मैंने आपसे सोल्यूशन पूछा था, साल में जो काम नहीं कर पाए है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है, आपके नाते आप जेल के अंदर। लेकिन मनोज जी, उनका पॉइंट वैलिड है ना, सवा साल में आप जा रहे हैं कि सवा साल में वो कर ले और आप 20 साल में उसे नहीं कर पाए, तो आप सोल्यूशन दे दीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है ना। हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, 20 साल में क्यों नहीं डेवलप करने की बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे हम लोग उस समय, कर रहे थे। लेकिन मैं पूछता हूं कि एक बार आकर के झूठ बोलना कि मुझे केवल मौका दीजिए, मेरे पास जादू की छड़ी है, मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं सब कर दूंगा, सब बदल दूंगा। क्या बदला? क्या जमुना जी बदली? क्या डीटीसी घोटाला नहीं हुआ? क्या शराब घोटाला नहीं हुआ? बदला जरूर केजरीवाल जी का चंद्रमोहन जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हो रही है, लेकिन ये कूड़े का पहाड़ खड़ा किसके टाइम पर हुआ? देखिए, कूड़े का पहाड़ खड़ा किसके अंदर, 15 साल तक एमसीडी के अंदर, कांग्रेस के टाइम पे, अभी इतनी देर तक बोलते रहे हो फिर भी तसल्ली नहीं है। 15 साल एमसीडी के अंदर राज कर लिया, कूड़े के पहाड़ के ऊपर शूटिंग करने की सोच ली, कूड़े के पहाड़ के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर उसकी लैंडफिल को खत्म करने के लिए यहाँ से गाजियाबाद भेजा गया, वहां के चीफ मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन कर लिया, वो धांधला और पैसा कहाँ है उसके ऊपर? जब आपके 15 वर्ष के अंदर जो एमसीडी के अंदर आपने जो घपला करा उसका आज तक सरोकार दिया आपने दिल्ली की जनता को, कोई आरोप लगा और आरोप था और आपके उत्तर प्रदेश के विधायक ने लगाया था, आपके उत्तर प्रदेश के मंत्री ने लगाया था, आपके ऊपर लगा कि आपका टेंडर करने वाला व्यक्ति यहाँ से गले में हुआ और जाके गाजियाबाद में देता था।